इब्न आदम, ए आदम की औलाद, सुनना अल्लाह अब क्या कह रहा है। ईमान वालों नहीं, रातों को उठने वालों नहीं, रोने वाले, पर्दादार औरतें, हलाल कमाने वाले, तहज्जुद पढ़ने वाले, हज करने वाले, उम्रे करने वाले, इब्न आदम ए आदम की औलाद, जिसमें आज भी 200-300 करोड़ ऐसे हैं जो कहते हैं अल्लाह है ही नहीं, और करोड़ों ऐसे हैं जो कहते हैं ईसा अल्लाह का बेटा, वो कहते हैं उज़ैर अल्लाह का बेटा, करोड़ों ऐसे हैं जिन्होंने हाथों के बुत बनाकर उन्हें ही अपना माबूद बनाया हुआ है, और 100-125 करोड़ अहले ईमान हैं जिन्होंने ईमान का मजाक उड़ाया हुआ है, ईमान को बेचा, ज़मीर को बेचा। इन सब से अल्लाह बात कर रहा है, ये नमाजियों से नहीं। यबन आदम ए आदम की औलाद, इन्नी लक मुहिब, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नाफरमान औलाद को तो माँ बाप भी घर से निकाल देते, और हमारे अखबारों में पाकिस्तान वो ऐड आया होता है कि हमने अपने बच्चे को अपनी जायदाद से फारिग कर लिया है नाफरमानी की बिना पर, रोज अखबारों में ऐड होते। जिसके हम बंदे, जिसने पैदा किया उसी से बगावत है, और इस सारी बगावत को देखकर वो कह रहे इन्नी लका मुहिब, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हालांकि अल्लाह की कसम मेरे नबी ने फरमाया सातों आसमान में चार उंगली के बराबर भी जगह खाली नहीं, इतनी चार उंगली के बराबर क्या है, हर इंच इंच पर फरिश्ते ने माथा सजदे में रखा हुआ है, जगह ही कोई नहीं। इतने सजदे उसको हो रहे हैं, उन्हें नहीं कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फरिश्तों से नहीं कहा मैं तुमसे, जिब्रील मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मिकाइल मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उन्हें नहीं कहा, मुझे कहा, जो रात को गफलत, दिन को बगावत, माल का गलत कमाना, गलत खर्च करना, जवानी को गुनाहों में डाल देना, मुझसे कहा कि ए आदम की औलाद मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर आगे कहा तुझे मेरे हक की कसम, तुझे मेरे हक की कसम, तू भी तो मुझसे प्यार कर। मा मिन यौमिन इल्ला वल बहरु यस्अज़नु रब्बहु फी अन युग़रिक़ इब्न आदम। बर्तानिया को चारों तरफ से पानी ने घेरा हुआ है, पानियों में जोश उठता है, या अल्लाह इजाज़त दे हम चढ़ जाएं तेरे नाफरमानों को, मैं बहा के ले जाऊं, मछलियों की ग़िज़ा बना दूं। चलो पानी को आने में दो घंटे लगेंगे। वल अर्दु तस्ताज़िन फी अंतब तलेहू, ये ज़मीन जिस पर बैठे हैं ये कहती है अल्लाह इजाज़त दे बैठो बैठो को अंदर ले जाऊँ, निशान बैठा दूँ। बल मलाइकतु तस्ताज़िन फी अन तुआजिलहू व तुहलिकहू, और फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह हमें इजाज़त दे हम उतरें इन सब की गर्दनें उड़ा दें। ज़मीन ने कहा इजाज़त दे मैं धंसा दूँ, पानियों ने कहा इजाज़त दे मैं बहा दूँ, फरिश्तों ने कहा इजाज़त दे मैं उड़ा दूँ। तो जिसकी नाफरमानी की है, जिसको गुस्से होना चाहिए था, वो कहता बहा दो, उड़ा दो, मिटा दो, धंसा दो, हाय हाय। वो कहता है दुउ अब्दी फअना आलमु बिअब्दी, मैं काम चलो चलो अपना काम करो, मैं अपने बंदे को तुमसे ज्यादा जानता हूँ। इन काना अब्दकुम फशानुकुम बिही, तुम्हारा बनाया हुआ है मिटा दो, बहा दो, धंसा दो, उड़ा दो। इन काना अब्दी,
अगर मेरा है फमिन्नी व इलैय अब्दी, फिर दखल ना दो, मैं जानू मेरा बंदा जाने। वो जबान हाल से कहते हैं तो पकड़ता क्यों नहीं, देखते नहीं क्या करते हैं, इनकी रात कैसे, देखते नहीं इनका दिन कैसा है, देखते नहीं इनकी कमाइयां कैसी हैं, पकड़ते क्यों नहीं हो। वो कहता है इन अतानी नहारन कबिल तो हो व इन अतानी लैलन कबिल तो हो, मैं इसकी तौबा का इंतजार करता हूं। इसलिए जिस रात तौबा करेगा मेरा दर खुला पाएगा, जिस दिन तौबा करेगा मेरी रहमत की बाहें खुली पाएगा।